नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर विशेष कार्यक्रम खास पेशकश महासप्तमी पर महाकवरेज। या न्यूज 11 भारत ने एक वादा किया आप तमाम दर्शकों से कि घर बैठे आपको मां के दर्शन कराएंगे और राजधानी के हर एक पंडाल की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही राज्यभर से जो तमाम जगहों पर पूजा की जा रही वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप मां के दरबार में पहुंचे न्यूज 11 भारत के माध्यम से और मां के भक्ति में लीन हो जाए, मां की कृपा पर बरसे, यही हमारी पूरी कोशिश है। मां की कृपा पर बनी रहे तमाम दर्शकों पर, झारखंड वासियों पर और तमाम मां के भक्तों पर, तो पूरी कोशिश हमारी यही रहेगी। और इसी कड़ी में हम आपको एक एक करके हर एक जगह की तस्वीर दिखाएंगे महा सप्तमी पर काल रात्रि की पूजा होती है और मां कालरात्रि का जो रूप होता है वो बहुत ही विकराल होता है। उसके पीछे की वजह साफ होती है कि मां अपना वो रूप दिखाकर दुश्मनों के बीच में और एक भय का माहौल पैदा करती हैं। विकराल रूप का उनके पीछे का मकसद यही है कि आप हमें सिर्फ नारी शक्ति ना समझे, हमें शक्ति का असली स्वरूप समझे। और इसी कड़ी में लगातार हम तमाम जगहों से तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में देखिए, हम जो तस्वीर फिलहाल आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे वो है सत्यलोक का ये पंडाल, वहां की मूर्ति तो बेहद ही खूबसूरती के साथ। तो हम अब रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो हमारे साथ सत्य अमर लोक पूजा पंडाल से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्य अमर लोक के पूजा पंडाल की खासियत क्या है और कैसा ये बना है, भव्यता कैसी इसकी, मां का दरबार कितना प्यारा यहां पर लग रहा है, सब कुछ राजेश के जानेंगे। राजेश बताइए, क्या कुछ वहां आप देख रहे हैं और कितना खूबसूरत ये पंडाल है, चाहेंगे कि दर्शकों को आप दिखाएं? देखिए, सत्य अमर लोक का जो ये पूजा पंडाल है वह काफ़ी भव्य है और बड़ी शालीनता के साथ यहाँ हर वर्ष यहाँ पर पूजा का आयोजन होता है। यहाँ जो अधिकांश लोग हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग इसके सदस्य हैं, वो कंट्रीब्यूटर हैं। तो हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ये सत्य अमर लोक का यह पूजा पंडाल, यहाँ पर देखिए भाग बजाए जा रहे हैं। सामान्यतः शाम में और सुबह में जब आरती की बेला होती है उस समय ये भाग बजाए जाते हैं। ये कलाकार जो हैं बंगाल से विशेष रूप से आते हैं। हम पंडाल की भव्यता को दिखाना चाह रहे हैं अपने कैमरामैन देवाशीष के माध्यम से। लोग सेल्फी भी ले रहे हैं क्योंकि इतना खूबसूरत पंडाल है, लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, इनकी फोटो खिंचा रहे हैं। ये अब हम अपने आप सभी को माँ का दर्शन दिखाते हैं। वैसे हम लोगों ने तो पहले भी दिखाया है, आज काल रात्रि सप्तमी की पूजा है और माँ का दर्शन हर दिन का अलग अलग रूप होता है। देखिए, काल रात्रि कात्यायनी की तमाम जितने माँ के नौ रूप हैं वो सबकी अपनी एक सुंदरता है, भव्यता है और एक आलोक जो चेहरे पर दिव्यता दिखती है वो अलग। आज सप्तमी है और आप देखें कि ये माँ का जो कालरात्रि रूप है आज उसकी पूजा हो रही है, खासकर वैसे लोगों को जिनका कोई पारिवारिक कलह रहता है या वैसी लड़कियाँ जिनका विवाह ठीक जल्द नहीं होता वो माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं तो ये शुभ मुहूर्त उनके लिए बनता है। तो देखिए यहाँ पे माँ का दर्शन, हमारे कैमरामैन कुना देवाशीष दिखा रहे हैं। चूंकि बारिश हुई है और बारिश की वजह से भीड़ थोड़ी कम है तो इसलिए इतनी भीड़ अब जैसा आम तौर पर अलग अलग वर्षों में देखा गया है, यानी पिछले दो साल से पहले की बात करें तो माँ का दर्शन आपने किया? जी किया। सुख शांति, घर में खुशी हो, अड़ोस पड़ोस में खुशी हो, गांव में हो, मोहल्ला में हो, शहर में हो, देश में। तो पूरा घूम पा रही है? नहीं, बारिश से तो फिर रात में घूमेगा। घूमिएगा? हाँ, घूमेंगे जरूर। कब तक घूमेंगे? विजयादशमी तक? नहीं, आज अगर जितना दूर तक हो सके फिर कल नेक्स्ट डे। चार दिन का है, चार दिन में पूरा घूमेंगे। पिछला दो साल तो महामारी के कारण हो गया, इस बार कितना उत्साह है? बहुत ज्यादा उत्साह है, माँ से मिलने का, खुशी मनाने का। चलिए,
ये देखिए श्रद्धालु हैं, ये देखिए ये लोग यहाँ पर, तो बिल्कुल ये उत्साह राजेश वाकई में ये दिखा रहा है कि लोगों में मां के लिए जो आस्था है वो कैसे उमड़ कर सामने आ रहा है। दो साल तक पिछले मां के दरबार नहीं पहुंच पाए थे ये भक्त, लेकिन इस बार ये मौका मिला है जब बिना किसी प्रतिबंध के यहाँ पर पहुंच रहे हैं, माँ के दर्शन कर रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, और इसीलिए तमाम पूजा समितियों की ओर से इतने भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया गया है। हम हमारे सहयोगी अजय लाल के पास भी चलते हैं। अजय लाल हमारे साथ नामकुम से जुड़ रहे हैं। अजय लाल, हर एक पंडाल की तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे, एक वादा हमने किया और आप लोग इस वादे को पूरा करने के लिए हर जगह पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप नामकुम में पहुंचे जहां पर, वहां की तस्वीर क्या है, वहां माँ की मूर्त कैसी है और माँ का जो दरबार सजा वो कैसा है? बिल्कुल पंकज, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नामकुम नवयुवक संघ के पास। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा भव्य पूजा पंडाल और इसके साथ ही एक अद्भुत तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। नवयुवक दुर्गा पूजा जो नामकुम में है, पिछले कई सालों से, आपको बहुत आभार कि आपने न्यूज 11 की टीम को सम्मान किया। आप 100 साल जिए, ऐसे ही सेवा करते रहे माँ का। जय माता दी। चलिए, मैं ये विनोद सिंह जी हैं, नामकुम नवयुवक संघ के अध्यक्ष हैं और भव्य पूजा पंडाल आपने हमारे सहयोगी के माध्यम से देखा और माता की अलौकिक तस्वीर भी आपको मैं दिखाऊंगा और साथ ही पंकज एक अद्भुत चीज भी मैं दिखाऊंगा इस पूजा पंडाल में कि कैसे माता की अद्भुत तस्वीर के साथ, माता की अद्भुत प्रतिमा के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी। सबसे पहले आप माता के अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर लेंगे नामकुम नवयुवक संघ के पास। ये माँ सबों को आशीर्वाद देने के लिए आतुर लग रही हैं। तमाम लोगों से मेरी विनती है कि एक बार जय माता दी जोर से बोल दीजिए। जय माता दी जोर से बोल देंगे, जोर से जय माता दी। और इसके साथ ही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पंकज की कैसे विनोद सिंह ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है लालू प्रसाद के प्रति, राबड़ी देवी के प्रति। आप तस्वीरों के माध्यम से देख लेंगे। सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले देखेंगे किनारे में रोहिणी आचार्या जो कि लालू प्रसाद की सुपुत्री हैं, उनकी तस्वीर, उनकी प्रतिमा। उसके बाद तेज प्रताप यादव, उनका भी प्रतिमा आप बना है। लालू प्रसाद की प्रतिमा हमारे दर्शक आपके माध्यम से देख पाएंगे। राबड़ी देवी जिसको कि राजद के नेता राज माता बोलते हैं, उनकी प्रतिमा तमाम लोगों को ये स्वागत कर रही है राबड़ी देवी। उसके बाद देखेंगे तेजस्वी यादव, उनकी भी प्रतिमा विनोद सिंह ने लगा रखा है और तेजस्वी यादव की धर्म पत्नी राजश्री यादव की भी प्रतिमा है। ये अद्भुत है, पूरे रांची में इकलौता ऐसा पूजा पंडाल है जहां पर कि आप राजनीति की झलक देख पाएंगे। उसके बाद भगवतिया देवी, पूर्व सांसद, ये वही भगवतिया देवी हैं जिन्होंने पत्थर तोड़कर अपना जीवन यापन किया था, लालू प्रसाद की नजर पड़ी, इनको लालू प्रसाद ने सांसद बनाया। और उसके बाद मुन्नी रजक, कपड़ा धोने वाली एक महिला को लालू प्रसाद ने विधान पार्षद बना दिया। ये तमाम चीजें दिखा विनोद सिंह जी हैं। विनोद जी कैमरे में आ जाइए, ये जो आपने किया इसके प्रति क्या है निष्ठा आपकी लालू प्रसाद के प्रति? नहीं, निष्ठा मतलब कुछ नहीं, हम तो बहुत इनका सम्मान करते हैं कि कम से कम ये, मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि षड्यंत्र के साथ इनको फंसाया गया और ये मतलब नीचे तबके लोगों को, मतलब पत्थर तोड़ने वाली को सांसद दिल्ली पहुँचाया, एक कपड़ा धोने वाली जो पटना की गलियों में कपड़ा धोती है जिसे इन्होंने MLC बनाया, तो ये लेकिन आपने इन सबको बिल्कुल अजय लाल, जाहिर सी बात है जो आप दिखा रहे हैं वाकई में एक संदेश, हर जगह कुछ न कुछ होता है और संदेश देने की कोशिश करते हैं ये पूजा समिति के लोग और आयोजनकर्ता। प्रभात का रुख कर लेते हैं, प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। प्रभात, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या दिखा रहे हैं माता के भक्तों को? बिल्कुल पंकज, देखिए मैं इस वक्त हूँ टोला डुगरी दुर्गा पूजा कमेटी के, वहाँ पंडाल बनाया गया, एक तितली का रूप दिया गया है, एक तितली का रूप दिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग तितली के सामने खड़ा होकर मोबाइल से सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि ये यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं।
हालांकि बारिश शुरू हो चुकी है पंकज, जो हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है, एक घंटे पहले बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो भक्त उसके बावजूद भी छाता लेकर भी पहुंच रहे हैं माँ का दर्शन कर ले, पंडल का दर्शन करने के लिए। आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे मेला भी लगाया गया है, लेकिन जो भक्त है वो छाता में, बहुत सारे लोगों के पास छाता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही आ रहे, लेकिन माँ की आस्था में बारिश भी कम पड़ जा रही है, क्योंकि बारिश होने के बाद भी लोग माता का दर्शन करने के लिए इस पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं। और यहाँ मेला भी लगाया गया, झूले भी हैं छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि दो सालों तक जो बच्चे हैं चाहे बड़े बुजुर्ग कोई भी है, जो पंडालों का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जो आसपास जो कोरोना काल में जो छोटे मोटे पंडाल बने थे उसी का दर्शन कर पा रहे थे, लेकिन इस बार सारी पाबंदियां हटा दी गई है, निश्चित है लोग पंडाल की ओर रुख कर रहे हैं। आपको हम अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं अपने न्यूज 11 दर्शकों को, न्यूज 11 के भारत के माध्यम से कितनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया, और पर्यावरण का संदेश जमशेदपुर में सभी पंडालों में दिया जा रहा है, तितली जैसे गाछों में बैठकर जो मधु चूसती है ये उसको दर्शाया गया है। और देखिए ये अंदर का दृश्य मेरे सहयोगी अनवर दिखा रहे होंगे, किस तरीके से एक बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ में चिड़िया और अलग अलग पक्षियों को बनाया गया है, खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, और जो मधुमक्खी भी है वो मधुमक्खी का छाता भी बनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक संदेश हर पंडालों में दिया जा रहा है। कितनी खूबसूरत तरीके से ये थर्माकोल के उसको काट कर सजाया गया है, और जो आप वृक्ष देख रहे होंगे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इसमें हरे रंग का कलर दिया गया है, हरे रंग की विद्युत सज्जा की गई है, उसके माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो बड़े से माँ दुर्गा की प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया, और छोटे माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त निश्चित है कि पंडाल की ओर रुख करने लगे, आज महासप्तमी है और हर कोई माँ का दर्शन कर लेना चाहता है, पंडालों का दर्शन करना चाहता है, पंडाल घूमने निकले हैं। तो आप देखिए ये माँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को न्यूज 11 भारत के माध्यम से, जो लोग घर पे हैं वो माँ की दर्शन न्यूज 11 भारत के माध्यम से कर सकते हैं, माता का दर्शन कर सकते हैं। और नीचे देखिए, नीचे में छोटी सी दुर्गा माँ का प्रतिमा बैठा है, और जो पीतल का जो घड़ा है, पीतल का घैला में जल रखा गया, और उस जल को स्थापित करके 9 कलश रखे गए हैं, और उस कलश में जल रखा गया और माँ की महासप्तमी की पूजा की गई थी। अब सही कहूँगा, एक बार इस रास्ते को भी दिखा दे अंदर से, जो भक्त इस पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा गहमा गमी है और कोई पाबंदी नहीं है, लोग पहले मास्क लगाकर निकल रहे थे पिछले बार, लेकिन इस बार किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, लोग माता का दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़े और पंडाल की ओर रुख करे। हालांकि बारिश में बताया पंकज, क्योंकि मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है कि लगातार 2 दिनों तक बारिश होगी, तो वो बारिश तो हो ही रही है, लेकिन उस तरीके का बारिश नहीं हो रही, निश्चित है जैसे लोगों का माँ की कृपा बनी रहे ताकि अगले 2 दिनों तक जो है बारिश उतनी ना हो कि माँ और भक्तों के बीच में दूरी पैदा हो जाए। हालांकि जो भक्त है वो अगर पूरे सावधानी के साथ घर से निकलेंगे, तैयारी के साथ निकलेंगे, तो शायद माँ के दर्शन कर पाएंगे, यानी कि छाता लेकर आप निकले। गिरिडीह का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी श्रीकांत वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, गिरिडीह में आप अभी किस वक्त मतलब कहाँ पर मौजूद हैं, और यह पंडाल कैसा है, कैसा है माँ का दरबार, और क्या संदेश यहाँ से देने की कोशिश की पूजा समिति के लोगों ने, संदेश पंडाल के जरिए, पंडाल के माध्यम से? देखिए 2 वर्षों के बाद जिस तरीके से इस बार त्योहार का आयोजन हो रहा है, निश्चित तौर से जो हर्ष उल्लास और उमंग है वो हर और देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है गिरिडीह के पपरवा डांड पूजा पंडाल में, जहाँ पर दशकों से यहाँ पर पूजा होती आ रही है। सबसे पहले हम जो आपको झलकियां और जो तस्वीर दिखाना चाहते हैं वो सीधा आप देखिए कि राजस्थान का जो स्वर्ण मंदिर है, उस मंदिर का पूरा प्रारूप इस समिति के द्वारा यहाँ पर तैयार किया गया है और काफी भव्य पंडाल बनाया गया है। 10 महीनों तक जो कारीगर थे वो यहाँ पर लगे हुए थे, तब जाकर इस पूरे पंडाल को सुंदरता के साथ तैयार किया गया है। और आज महासप्तमी के अवसर पर जो है, इस वक्त हमारे साथ पूजा कमेटी के सदस्य भी मौजूद है, चाहे वो गिरिडीह सदर विधायक हो, गांडे विधायक हो, SDPO हो, थाना प्रभारी हो, या फिर भी क्षेत्र अजब, तो उन्होंने अभी तुरंत जो है इस पंडाल का विधिवत उद्घाटन किया है और पट खुल चुके हैं। हालांकि बारिश ने थोड़ी खलल जरूर डाली थी, लेकिन अब भक्तों का देख सकते हैं सैलाब मंडप में उभरने लगा है। सबसे पहले हम सीधे सदर विधायक से ही जानेंगे कि पंडाल का उद्घाटन किया आपने 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद, किस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, एक अलग उत्साह और उमंग है लोगों में। देखिए बात बिल्कुल सही है कि 2 वर्षों के कोरोना काल ने
प्रतिबंधों में पूजा को मनाने का अवसर दिया। भगवती की कृपा से यह पहला मौका है जिस मौके में बगैर प्रतिबंध के लोग पूरे उल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाएंगे। तो हमें भी यह उम्मीद है कि पंडालों पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी, लोग पूरे भक्तिभाव से मनोयोग से इस पूजा को मनाएंगे। और जहाँ तक सवाल गिरिडीह का है तो गिरिडीह में जिला प्रशासन, हमारे जैसे तमाम जनप्रतिनिधि लोग और तमाम पूजा कमेटियाँ बड़ी शिद्दत से बड़ी मजबूती से इसके बेहतर इंतजाम और व्यवस्था के लिए लगी हुई है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि भगवती की कृपा से यह पूजा का त्यौहार बहुत अच्छे से पास होगा और तमाम श्रद्धालुओं को क्या लगता है कितना उत्साह और उमंग है? लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग है। दो वर्षों के बाद ये अवसर आया है, सभी श्रद्धालु तमाम लोग श्रद्धापूर्वक माँ के भक्ति में लीन रहेंगे और पूरी तरीके से निश्चित रूप से शांतिपूर्ण तरीके से ये उत्सव गुजरेगा। सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राइमरी कंसर्न है और इसको लेकर के हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं और हमारे डेपुटेशन हो चुका है, मतलब दो तीन लेयर में हमारी सुरक्षा व्यवस्था है और हम लोग पूरी तरह से तैयार है कि मेले को पीसफुली संपन्न कराएंगे। पुलिस संपर्क करेगी, कितने फोर्सों की तैनाती की गई है? यहाँ पर करीब 20 फोर्स की तैनाती की गई है और सादे लिबास में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी की घटना नहीं हो और उसे घटना होने की भी स्थिति में उसे तुरंत उसे निपटा जा सके। तो पंकज, अभी अभी जो है सदर विधायक और गांडर विधायक ने विधिवत रूप से पंडाल का उद्घाटन किया है और क्या कहना चाहेंगे क्योंकि दो वर्षों के बाद निश्चित रूप से पिछले दो साल कोरोना के कारण बिल्कुल श्रीकांत, सभी लोग बेहद खुश हैं क्योंकि ये उत्साह जो है वो साफ नजर आ रहा है। दो साल के बाद ये मौका मिला। एक बार फिर से हम राजेश के पास चलते हैं जो कि सत्य अमरलोक में मौजूद है हमारे साथ। राजेश, पंडाल को हम एक बार फिर से चाहेंगे कि दर्शकों का उसकी भव्यता को दिखाएं कि किस तरीके से पंडाल का निर्माण हुआ और इस पंडाल का थीम क्या है, पंडाल से संदेश क्या जा रहा दर्शकों के बीच में, क्या कहना चाहते हैं पूजा समिति के लोग, क्या बताना चाहते हैं अपने इस आयोजन के जरिए। राजेश, देखिए ये अमरलोक सत्य अमरलोक संस्था की ओर से यह पूजा पंडाल का बनाया गया और पिछले कई दशकों से पूजा का आयोजन होता रहा है। यहाँ पर जो संदेश दिया गया है वो एक अलग संदेश है। आप देखिए कि इसमें कलाकृति के अलावे रेखांकित किया गया है। आप देखिए कारीगरी है वो कितनी खूबसूरत है और महीनों लगे होंगे इसे तैयार करने में। बांस के हैं, फिर बांस के अलग अलग स्वरूप तैयार किए गए हैं। तो ये पूजा पंडाल में एक द्वार बनाया गया है जो सामान्यतः आप देखेंगे जो प्राचीन काल में जो अलग अलग कलाकृतियां होती थी, जो मंदिर निर्माण की कलाकृतियां होती थी, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आता है। जैसे मथुरा कलाकृति है, बासर है, इन सब चीज़ों का यहाँ पर एक मिश्रण यहाँ किया गया है। तो ये मूर्तिकारों ने जो अपना प्रदर्शन किया है, कौशल दिखाया है माँ की मूर्ति को दिखाने में, इसके अलावे जो पंडाल है, पंडाल का जो निर्माण हुआ है उसके आर्टिजन से वो अलग है, वो बाहर से बंगाल से बुलाए गए थे। लगभग 2 महीने की मेहनत के बाद ये संभव हो पाया है। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं 2 साल के गैप के बाद ये। तो चलिए एक बार फिर से हम अजय लाल के पास चलते हैं। तो ये सत्यमरलोक की तस्वीरें हमने देखी, बहुत ही भव्यता के साथ यहाँ पर पंडाल का निर्माण हुआ। हमारे सहयोगी राजेश बता रहे थे कि कैसे इसमें पुराने समय में जो कलाएं होती थी, जो वास्तुशास्त्र होता था उसका इस्तेमाल करते हुए, जो पुराने समय में मंदिर बनते थे उन सब का इस्तेमाल करते हुए एक काल्पनिक तरीके से यहाँ पर पंडाल को दर्शाया गया, उसका स्वरूप बनाया गया है। एक बार फिर सजलाल के पास। सजलाल, नामकुम में जहां पर आप हैं, क्या वहां पर कुछ और कार्यक्रम भी, जागरण वगैरह ऐसे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं सप्तमी के मौके पर, ऐसा कुछ है जानकारी? बिल्कुल पंकज, इस वक्त नामकुम रेलवे जंक्शन जो है उसके ठीक बगल में ये पूजा पंडाल है। पूरा का पूरा पूजा पंडाल डमरू से बनाया गया है। इसमें 5,011 डमरू लगाए गए हैं, ऐसा आयोजकों का कहना है। पूरा का पूरा देखेंगे पूजा पंडाल और ये अद्भुत दृश्य।
वक्त माता को सबसे प्यारा जो ये भजन है, ये जो मन ढोल बज रहा है लगातार, ये माता को सबसे प्यारा है। और पूरी तरह से देखेंगे, पूरी तरह से धूमधाम के साथ माता का पूजा हो रहा है। और इस पर मैं डमरू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डमरू से बनाया गया है पूरा का पूरा पूजा पंडाल। ये देखेंगे हमारे सहयोगी राजा दिखाने की कोशिश करेंगे, ये पूरा का पूरा पूरा पंडाल पूजा पंडाल है, ये डमरू से बनाया गया है, डमरू से बनाया गया है, ये पूरा का पूरा पूजा पंडाल को डमरू से बनाया गया है। और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, यानी कि कहीं से भी किसी प्रकार का, एक बार फिर से मैं माता की अलौकिक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और श्रद्धा के साथ पूजन हो रहा है भक्त माता का, देखेंगे ये विधि विधान के साथ महिलाएं जो यहाँ आई हैं पूरी तरह से माता को अपने आँखों में समेट लेना चाहते हैं। और इस प्रतिमा का यदि आप पूरी तरह से विवेचना करेंगे तो माता का स्वरूप ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। और साथ ही यदि कोई ऐसा सृष्टि के साथ खिलवाड़ करता है, इंसानियत के साथ खिलवाड़ करता है, तो उनको उनके लिए भी पूरी तरह से देखेंगे माता की जो आसपास की महिलाएं हैं वो पूरी तरह से माता की आरती उतारे हैं पूरी तरह से। ये अलौकिक दृश्य है। और पूरी तरह से जैसा कि मैंने कहा, ये डमरू से बना डमरू से प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। और कहा जाता है कि डमरू जो है भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। और ये डमरू बजाना भी आसान नहीं होता, ये पूरा 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 पूजा पंडाल, ये ऐसी प्रतिमा यहाँ मैं देख रहा हूँ जहाँ पर कि भगवान शिव को भी बिल्कुल बिल्कुल अजय लाल, तो जैसे बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, तो उसी डमरू का इस्तेमाल करते यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। और आपने उस बारीकियों को पहचाना, उन बारीकियों से आपने दर्शकों को रूबरू कराया। जाहिर सी बात है, प्रभात का रुख करें तो प्रभात देखिए, पूजा पंडालों में एक संदेश तो लगातार दिया जाता है, एक थीम होता ही होता है, लेकिन उन पंडालों में हर एक कोने में, हर एक हिस्से में कुछ न कुछ एक ऐसी चीज होती है जो दर्शकों को आकर्षित करती है, श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। तो हम चाहेंगे कुछ उन बारीकियों को दिखाते हुए दर्शकों को बताएं, ताकि जो बाकी भक्त हैं वो भी उस पंडाल में पहुंचे, और जो नहीं पहुंच पा रहे वो तो न्यूज़ जन भारत के माध्यम से लगातार अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे। तो हम चाहेंगे कुछ ऐसी कुछ बारीकियां भी आप बताते रहें जो उस पंडाल की खासियत हो। बिल्कुल, देखिए ये टोला डिगरी का जो पंडाल, जो मैं पहले भी बताया पंकज की, ये तितली का रूप दिया गया। आप देखिए किस तरीके से वो तितली एक फूल पे बैठी हुई है, और फूल पे बैठने के बाद जो उसका जो रस होता है वो अपने मुख से टान रही है। तो उसका एक संदेश दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए, जीव जंतु को सुरक्षित रखते हुए इस पंडाल का निर्माण किया। और कितना खूबसूरत तरीके से तितली का पूरा पंख भी बनाया गया है। और अंदर का मैंने पहले भी दृश्य दिखाया कि अंदर में किस तरीके से जो छोटे छोटे मधुमक्खियां है उसकी छाते भी बनाए गए थे, और मधुमक्खी किस तरीके से उस फूल पे बैठकर अपना रस चूस रही है, तो वो संदेश दिया जा रहा है। और जितने भी पंकज जमशेदपुर में जो भी पंडाल बने हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थीम पे बने, कोई ना कोई संदेश जरूर दे रहा है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तत्वों को दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे प्रकृति में सब कुछ होते रहता है, और सभी लोग अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत करें, यही प्रकृति के जो है संदेश है वो माँ दुर्गा के इस पंडाल के जरिए वो संदेश दिया जा रहा है। ये नहीं रुक कर लेते एक बार फिर से श्रीकांत, पंडाल की खूबसूरती को चाहेंगे कि हम अब देखें, आपके कैमरे के नजर से हम देखें उस पंडाल को जहां पर माँ विराजमान है, माँ की मूर्ति जहां पर विराजमान है, हम चाहेंगे उसकी खूबसूरती को आप दिखाएं, बबिता को दिखाएं। पंकज जिस तरीके से हम आपको पूरा पंडाल का दर्शन कराते हैं, देख सकते हैं जिस तरीके से यह भव्य पंडाल जो है वह बनाया गया है, इस भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। राजस्थान के जो सोना पैलेस है, सोना मंदिर है, उसकी तर्ज पर पंडाल को निर्माण किया गया है। और जिस तरीके से पूरे महल का प्रारूप देने की कोशिश की गई है, ये चाहे इसके पिलर हो या खंबे हो या अंदर का जो रूप है वो हम आपको पंडाल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और वो आपको सीधा दिखाते हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं माँ की प्रतिमा विराजमान है, और इस पंडाल को थीम पंडाल के तौर पर बनाया गया है। पंडाल के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो देख सकते हैं भारत माँ का प्रदृश्य चित्र पीछे में बनाया गया है, लाल किला है पीछे में, और
उसके बगल में ठीक इंडिया गेट है, बनारस का गंगा घाट बनाया गया है, तो पूरे तरीके से जो भारत की धरोहर है, प्राचीन धरोहर, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। और हम और आपको नजदीक चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि यहाँ दिखाएं, और जो इस बार भारत के द्वारा जो शिप बनाया गया था, प्रधानमंत्री जी ने जिसका विधिवत उद्घाटन किया था, उस शिप के ऊपर माँ दुर्गा सवार है, जो कर्म पथ था, जो राजपथ था, उसकी तस्वीर झांकी पेश की गई है। शिकांत, आप यहाँ पर हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ पे समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन यहाँ इस पंडाल में जो खासियत दिखाई गई है वो हम चाहेंगे कि दर्शक तक पहुंचे, और हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी लोगों का शुक्रिया आप हमारे साथ, लेकिन लगातार बने रहिएगा क्योंकि लगातार हम महासप्तमी पर महाकवरेज दे रहे हैं और हर पंडाल से वो संदेश जो देने की कोशिश हो रही वो दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि सिर्फ हिंदू धर्म का त्यौहार नहीं बल्कि पूरे भारत को समेटता, भारत को एकता में एकजुट करता एक त्यौहार है, जहां पर सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों की सहभागिता किसी न किसी रूप में जरूर होती है। और यहां पर हम भारत को दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत की विविधता को दिखाने की कोशिश करते हैं, और भारत में मौजूद हर एक छोटे छोटे संसाधन है, प्राकृतिक या किसी भी तरह के संसाधन, उनके जरिए कैसे पंडाल बनता, वो सब कुछ दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो यहां पर फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन महासप्तमी पर महाकवरेज न्यूज भारत का लगातार जारी रहेगा और हर एक रंग हम आपको दिखाएंगे इस दुर्गोत्सव के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।